पुअर पिकअप सॉल्यूशन। यार अगर आपकी गाड़ी में पिकअप नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो, टेंशन में हो, तो इंस्टेंट ऐसे तीन या चार काम आपको बताऊंगा जिससे अपनी गाड़ी का पिकअप आप बहुत ही बढ़िया तरीके से ला सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता कि अपनी गाड़ी का पिकअप बढ़ेगा तो बढ़ेगा कैसे, बट वो डिस्टर्ब होते हैं और मजबूरी में टाइम ना मिलने की वजह से वो गाड़ी को खींचे जाते हैं, खींचे जाते हैं, खींचे जाते हैं। तो उस दौरान आपकी गाड़ी में कमी क्या क्या आ सकती है ऐसा करने से, ये भी बताऊंगा। और आपको कुछ ऐसे बात बताऊंगा जो आपके साथ बहुत ज़्यादा, आपको मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है उन बातों से। तो ज़्यादा देरी ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को लाइक करने जाना। यार अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं करते बहुत गलत बात है, जल्दी चैनल सब्सक्राइब करो यार, अभी कर दो, अभी कर दो, सोचो मत, क्योंकि बहुत सारी मोटरसाइकिल की जानकारी मिलने वाली है इस पे। पुअर पिकअप सॉल्यूशन, पुअर पिकअप सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले इंस्टेंट आपको करना क्या है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, जॉब पे जाते हो, ऑफिस में रहते हो, या फिर आपके पास बिल्कुल भी पैसे की दिक्कत चल रही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, आप खर्चा नहीं कर सकते, तो क्या करना है? सबसे पहले तो आप किसी मैकेनिक की शॉप पे जाओ, सबसे पहले मैकेनिक की शॉप पे जाओ और उनसे ये तीन या चार काम करो। पहला काम कौन सा हो सकता है? वॉल क्लीयरेंस की सेटिंग करना, दूसरा काम एयर फिल्टर की क्लीनिंग करना, तीसरा काम गाड़ी के व्हील को चेक करना। आप कैसे करना है ये मैं बता देता हूं। अगर आपके पास एक स्प्लेंडर गाड़ी है तो उसके टैपेट की सेटिंग करनी है, 0.010 mm इनलेट और 0.10 mm एग्जॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आपकी गाड़ी के वॉल की सेटिंग अगर हो जाती है तो आपकी गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस अच्छे से निकल के आती है। उसके अलावा आपको स्पार्क प्लग की क्लीनिंग करनी है। अब आपके पास एक आपका जो मैकेनिक है उसके पास स्पार्क प्लग का क्लीनर नहीं है, उसके पास जो क्लीनर होता है वो है ही नहीं, खत्म हो गया है। अब चाहते हो यार वो बढ़िया तरीके से क्लीन करना, तो उसके लिए आप मजबूरी में सैंड पेपर का यूज कर सकते हो। किसी हार्डवेयर की शॉप से 130 या 140 नंबर का सैंड पेपर होता है, जो ब्लैक कलर का होता है, जो कार वाले अपने डेंट पेंट में यूज करते हैं, उससे गाड़ी के स्पार्क प्लग को कोई भी परेशानी नहीं होती, वो पूरा प्रॉपर क्लीन कर देगा और उससे आपकी गाड़ी का स्पार्क प्लग अच्छा तरीके से परफॉर्मेंस देता है। देखो यार अगर पिकअप आपकी गाड़ी में कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है टैपेट का और होता है स्पार्क प्लग का। स्पार्क प्लग करता क्या है? जो हमारा इंजन पावर सिस्टम होता है उसके अंदर एक जो पिस्टन होता है उस पिस्टन के ऊपर पेट्रोल और एयर का एक मिक्सचर आता है, उस मिक्सचर में स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोल पैदा करता है, मतलब करंट पैदा करता है, और करंट पैदा करने के बाद वहां पे ब्लास्ट होता है और एक कंप्रेसर पैदा होता है, जिस कंप्रेसर से हमारी गाड़ी को पावर मिलती है और वो व्हील में जाके हमारी गाड़ी को एक राइडर को अच्छी खासी संतुष्टि देती है, ठीक है। तो वही काम एक लाइटर भी करती है, जो आपके घर में किचन के अंदर होता है ना लाइटर, वही काम करता है, ठीक है। तो वो जो लाइटर अगर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो एक दो तीन चार बार जब जाके गैस जलेगी, तो वही स्पार्क प्लग का काम होता है, ठीक है। तो स्पार्क प्लग का क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, टैपेट की सेटिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज तो ये हो गई, अब तीसरी चीज क्या है? एयर फिल्टर। अगर आपकी गाड़ी का एयर फिल्टर भी गंदा गंदा होगा, डस्ट ज़्यादा होगा उसके अंदर, एकदम बहुत ज़्यादा डस्टी टाइप का होगा, डर्टी डर्टी एकदम होता ना, जैसे दुनिया भर की मिट्टी मिट्टी जमी पड़ी है एयर फिल्टर के अंदर, उस टाइप का होगा, तो भी आपकी गाड़ी में पिकअप डिक्रीज होगा, मतलब पिकअप घटेगा घटेगा। देखो यार कॉमन सी बात है, आपकी जो नई गाड़ी वाली परफॉर्मेंस होती है वैसा पिकअप लाने के लिए तो आपको प्रॉपर देखिए सर्विस करानी पड़ेगी, बट इस कामों से आप अपनी गाड़ी में इंस्टेंट पिकअप ला सकते हो। कैसे? बता रहा हूँ मैं आपको, एयर फिल्टर प्रॉपर क्लीन करना है, आपको किसी मैकेनिक की शॉप पे एयर मिल जाएगी, उस एयर को बैक साइड में एयर फिल्टर के मारना है और आपको प्रॉपर क्लीन करके अपनी गाड़ी के एयर फिल्टर को प्रॉपर तरीके से पैक करवा देना। अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत बजट आपका है तो आप कोशिश यही करें कि अगर ज़्यादा एयर फिल्टर गंदा है तो उसको साफ ना कराएं, उसे चेंज कर दें, और अगर ज़्यादा स्पार्क प्लग गंदा है तो उसे चेंज कर दें। ज़्यादा महंगा नहीं आता, सस्ता आता है, ठीक है। स्पार्क प्लग के अंदर दो तीन क्वालिटियाँ हैं जो सबसे ज्यादा बेस्ट हैं, जैसे माइको हो गई, बॉस को हो गई, एनजीके हो गई, चैंपियन हो गई, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ आती हैं। बाकी इधर उधर के प्लग में मत जाएं, इधर उधर के प्लग बहुत महंगे पड़ते हैं, लोकल भी होते हैं, ठीक है। और हाँ, इरिडियम प्लग बिल्कुल भी मत लें, 750 रुपये प्लग आता है, कोई फायदा है नहीं, उसका नुकसान है। एक तरह से मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बस मैं आपको बताना चाहूँगा इरिडियम प्लग से बढ़िया नॉर्मल प्लग है, ठीक है। अब बात करते हैं दोनों पीछे के व्हील। देखो यार कभी कभी क्या होता है, हमारी गाड़ी की ब्रेक इतनी ज़्यादा टाइट होती है कि हमें उस वक्त जब हमारी गाड़ी ठंडी होती है उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि हाँ यार चल ब्रेक एकदम परफेक्ट है, एकदम इंस्टेंट आपकी गाड़ी का व्हील एकदम रुकेगा। बट जब हम गाड़ी को थोड़ा चलाते हैं और हमारी गाड़ी थोड़ी गर्म हो जाती है, तो गर्म होने के बाद क्या होता है, उस गाड़ी का जो ब्रेक होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वाला फील होने लगता है, एक तरह से व्हील जाम सा चलने लगता है, व्हील जाम जाम गाड़ी चलती है, जिससे हमारी गाड़ी का पिकअप डिक्रीज होता है। तो वो भी आपको चेक करनी है। देखो यार अगर आप व्हील नहीं खुलवा सकते तो आपको ब्रेक लूज कर लेनी है, खुलवा सकते हो तो आपकी अपनी गाड़ी को पूरा व्हील खुलवा के प्रॉपर तरीके से उसके ब्रेक शू को बाहर निकलवा के उसमें सैंड पेपर लगवा के उसमें सफाई करानी है और उसकी केम में ग्रीसिंग करानी है, ठीक है।
इससे करने से आपकी गाड़ी के पीछे के व्हील भी सेटिंग अच्छी हो जाएगी और आपको एक अच्छा स्मूथ फील मिलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा आगे का व्हील चेक करना है आपको, आगे का जो व्हील होता है उसकी आगे की व्हील की एकदम प्रॉपर वो होनी चाहिए, क्या बोलते हैं उसका, टाइटनेस नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, स्क्रू होने चाहिए एकदम, व्हील ऐसे घुमाओ तो प्रॉपर तरीके से घूमे। और आगे और पीछे के टायर में हवा चेक करनी है। काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी गाड़ी के टायर में हवा कम होती है और वो चलाते रहते हैं गाड़ी और बाद में उनको पिकअप की बहुत ज़्यादा समस्या आने लगती है, एक तरह से इंस्टेंट आती है, बट एवरेज और हीटिंग की समस्या और पिकअप की समस्या, तीनों चीज़ों के लेकर लेकर बात की जाए तो एयर का सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर एयर थोड़ी सी भी कम होगी तो आपकी गाड़ी में समस्या आएगी आएगी। एयर कम रखनी कितनी है, पीछे वाले टायर में 35 और फ्रंट वाले टायर में 25 एयर होनी चाहिए। अगर आप गर्मी वाले मौसम में हो तो नाइट्रोजन गैस डलवा सकते हो, अगर आप नॉर्मल सर्दी वाला मौसम है, आपको लगता है सर्दी वाला मौसम है, तो आप नॉर्मल जो एयर होती है पेट्रोल पंप पे जो फ्री मिलती है एयर, वो आप यूज़ करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा बात करते हैं हमारा, करें आप गाड़ी को अंदर कुछ नहीं कराते, आप चलाते रहते हो तो आपकी गाड़ी में समस्या क्या आएगी। देखो यार, अगर आप गाड़ी को ऐसी चला रहे हो, डर्टी एयर फिल्टर है, स्पार्क प्लग भी बहुत गंदा हो रखा है, आपने सर्विस भी टाइम से नहीं कराई है, व्हील भी आपका जाम चल रहा है, टायर में हवा कम है, तो सबसे पहले आपकी गाड़ी में क्लच प्लेटें खराब होंगी और जब क्लच प्लेटें खराब हो जाएंगी तो आपकी गाड़ी के इंजन पे बहुत लोड पड़ेगा और आपकी गाड़ी वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करेगी और एक टाइम ऐसा आएगा आपकी गाड़ी का जो पिस्टन होता है वो हीट होकर खराब हो जाएगा और उसके बाद आपकी गाड़ी के वॉल के जो गाइड होते हैं वो कटने लग जाएंगे। ये धीरे धीरे ये ऐसी कगार पर आ जाएगा, जो इंजन है वो खुलना चाहिए था 40-50 हज़ार रुपये, तो वो खुल जाएगा 20-15-20 हज़ार रुपये, ठीक है। तो आपको इन बातों का खासकर ध्यान देना है। काफ़ी सारे लोगों के लिए वीडियो बनाई है मैंने, जो लोग टाइम पर सर्विस नहीं करा पाते हैं, जो घर से निकलने के लिए सिर्फ ऑफिस और ऑफिस से घर, उसके अलावा कहीं नहीं, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ, WD-40 अगर आपके घर में है तो WD-40 से अपनी गाड़ी को प्रॉपर तरीके से ल्यूब करते रहें, जैसे चेन में ल्यूब कर दिया। अगर आपके पास लगता है कि प्रॉपर ल्यूब है तो ल्यूब उसकी यूज़ कर लें। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी की चेन में जंग लग रही है तो WD-40 चेन में मार के छोड़ दें, उससे जंग आपकी खत्म हो जाएगी। उसके अलावा एयर फिल्टर की तरफ फुटरस होते हैं, एक ये फुटरस होता है, ठीक है। उसके अलावा यंगिक होती है, इसके को अंदर WD-40 यूज़ करें। हमारा जो पेट्रोल टैंक लॉक होता है उसमें WD-40 यूज़ करें। तो इन सब जगह WD-40 यूज़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बाकी मैंने ये वीडियो सिर्फ उनके लिए बनाई है जो टूर एंड ट्रेवल करते हैं या छोटी छोटी राइड मारते हैं जिन पर टाइम नहीं होता या फिर जो रास्ते में फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो कुछ चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो यही सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी इंस्टेंट जानकारी आपको दी है, अगर आपको पसंद आई है तो एक बार लाइक जरूर करना और ऐसे ही मोटरसाइकिल की टिप्स एंड ट्रिक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अपनी वीडियो के अंदर सारी की सारी जानकारी मोटरसाइकिल से रिलेटेड देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।